पंजाब दो बंदे गहरजीत गरेवाल ते लालपुरा शायद इन्हां ही किसानी संघर्ष की समझ आ बाकी ना पंजाबियों ना हिंदुस्तानियों कोई समझ ही नहीं है। चोपड़ा, किसान मेलों को लेकर किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा और इन तीन किसान मेलों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान बीते लगभग एक माह से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस क्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह के घर पर भी किसान संगठनों द्वारा घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की गयी। देखे सिटी हलचल की है रिपोर्ट। मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर रोष रैली के तौर पर जा रहे ये हैं विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसान व उनके परिजन और जे सभी लोग उपमंडल श्री अनंतपुर साहिब के तहत पड़ते चज चौक से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा की कोठी का घेराव करने जा रहे हैं। ये इसलिए लालपुरा की कोठी का घेराव करने जा रहे हैं क्योंकि इकबाल सिंह लालपुरा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण किसान बिलों का विभिन्न टीवी चैनलों पर समाचार पत्रों में समर्थन करते दिखते हैं जो किसानों को किसी भी हालात में मंजूर नहीं। सुने इस मौके पर रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा। किसानों की भीड़ पई है, किसानों के जो हक है आर्थिक तौर पर किसानों को बर्बाद करना चाहती है केंद्र सरकार, तो यह अपने सरकार को समझा ही ना कि किसानों के हक में खड़ के अपनी अपनी सरकार का विरोध कर, क्योंकि इन्होंने पंजाब तो वोटा लेनी है, पंजाब का खाना है, पंजाब में रहना है। सो इस करके इन्हों का घराव किया असं अज कि इन्हों समझ आए कि तुम पंजाबी हो, पंजाबियों नाल खड़ो ना कि तुम केंद्र नाल। देखो जी अज असी जथेबंदियों वालों सद्दा दिता सी इकबाल सिंह लालपुरे का जिहड़ा घर का घराव आपां करना, तो इलाके के लोगों ने बहुत साथ दिता। ये वो बंदा जो किसानी संघर्ष को शुरू तो बदनाम कर रहा, पंजाब दो बंदे आ गहरजीत गरेवाल ते लालपुरा, शायद इन्हों ही किसानी संघर्ष की समझ आ बाकी ना पंजाबियों ना हिंदुस्तानियों कोई समझ ही नहीं है। जिहड़ा कह रहे भी खालिस्तानी ने अतवादी ने, उत्थे हरियाणे के लोग भी बैठे आ, वो कितों खालिस्तान के मैथी हो गए, यूपी के लोग जिहड़े कदे खालिस्तान बारे पता तक नहीं, वो किहड़े पासे खालिस्तान के मैथी हो गए। तुसीं सारे संघर्ष को बदनाम करन दे लई उन्हां दे खालिस्तान दे ठप्पा ला रहे हो, अज इहनूं दसण आए हैं भी आ तेरे दर ते बैठे खालिस्तानी आ जां मिल जा। हुण आर एस एस के प्रोग्राम च भज गया इत्थों, कहिंदा मैं सिखां दे प्रोग्राम च गया, आर एस एस का प्रोग्राम उत्थे गया, आर एस एस का बंदा, ये नागपुरों चलती है जी सारी सोच, ये कोई सिख इतिहासकार नहीं है। जिहड़ा तुहाडे जिन्ना गुस्सा है कितना कितने पग जरूर बांधा दाढ़ी रखता, पर पग और दाढ़ी के हेठ यह एक मनुवादी सोच वाला बंदा जो साड़ी गुरुआं दी विरासत आ। साड़े नानक साहब ने की लिखिया बई नीचा अंदर नीच जात नीची ऊहत अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सों कै रीस। नानक ने नीवें नाल खड़न दी गल कीती आ, इह खड़ा गज मोदी दे नाल। साडे नानक ने बाबर नूं जाबर किया, अज रखदा हिम्मत मोदी नूं जाबर कहण दी। देखो जी ये असी बड़े लंबे समय तो सोच रहे थे कि इकबाल सिंह लालपुरे का घराव किया जाए, कारण यह सीगा वड्डा कि एक तो इकबाल सिंह लालपुरा जिहड़ा हैगा बीजेपी का जिहड़ा हैगा कौमी बुलारा हैगा, दूजा किसान जथेबंदियों वालों बड़े लंबे समय तो यह गल कही गई सी कि जिन्हें भी भाजपा के नेता है उन्होंने घराव किया जाएगा, उन्होंने ऑफिसा का घर का घराव किया जाएगा। कला रोपड़ का नूरपुर वेदी इलाका से जिते वह जोड़ा है फार्म हाउस है जिंदा घराव नहीं होया, इनू मुख रखते हुए जोड़ा है जो बयानबाजी नैशनल मीडिया के उत्ते बोल रहा है कि किसान नहीं है अतवादी ने ये खालिस्तानी ने ये गुंडे ने, तो ये रोस वजो जोड़ा है घराव किया गया है जिस नौजवानों ने वीड्डी गिणती।
इस रोष प्रदर्शन की भनक लगते ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहीं चले गए थे, लेकिन गुस्साए किसानों ने उनके घर के समक्ष जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि लालपुरा व हरजीत सिंह गरेवाल एक किसान व सिख परिवार से होने के बावजूद मनुवादी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। सुने कुछ अन्य किसानों ने सिटी अलचा से बात करते हुए क्या कहा। अज असि इथे एक कोई इथे इकबाल सिंह रहिंदा है जिहड़ा कि भाजपा दा बुलारा बनिया होया है। उहदे लई असी एक पंचायती तौर ते मैसेज देना आए हैं। उन्हूं पिछले दिन ही यह बोलिया सी कि ये जिहड़े किसान अंदोलन चला रहे ने यह अतवादी ने। सो सानू इस गल दा रोस होया क्योंकि सानू किरतियां नूं सानू किसानां नूं अतवादी कह देना इहदी बहुत ज़्यादा असी निखेधी करते हैं। उही अज्ज असी सुनेहा देना आए सी कि अपना तू यह बयान वापस लै ला वरना तो असी तेरा मूँह काला करके तैनू पिंडां च फेरांगे। और जिहड़ी यह मोदी सरकार ने काले कानून बनाए ने ये बहुत गलत ने। सारा देश ये खिलाफ़ है, सारा व्यापार ये खिलाफ़ है, सारा पिंड पिंड गली गली ये खिलाफ़ है, हालांकि UNO भी ये खिलाफ़ है, बाहरले देश खिलाफ़ ने। इस करके इहनू जिहड़े कानून बनाए ने इन्हें करोना आड़ दे विच काले गलत उहनू वापस करने ही पैने हैं। और कानून वापस कराए बिना साडा समझौता कोई नहीं। और कुछ इहो जिहे ने बुलारे रखे हुए ने जिहड़े कि रोटी किसान दी खाने किसान दा खेत दा अन्न पैदा कीता खाने ते भौंकदे मोदी दे दरबार मूहरे खड़े हैं। असी उहदी निखेधी करन लई अज इत्थे आए सीगे और असी इह गल इहनू चेतावनी दे के चले हैं कि अपना बयान वापस लै ला अतवादी कहण वाला, और किसानां तों मजदूरां तों सारे देश के किसी लोगों को माफी मांग लै वरना असी तेरा होर भी ये तो वड्डा जुलूस कढ़ांगे। बहुत धन्यवाद मेहरबान। इन किसानों का मानना था कि विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। किसानों के इस रोष प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब पुलिस के जवानों ने पहले ही पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। नूरपुर वेदी से सिटी अचल के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। अब आपके अपने शहर नंगल की MP कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध। इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है 9874-9819-70-90-39-655। MP दी कोठी मेन बाजार विच रॉयल स्वीट्स बेकरी नाम की दुकान खोली है। साढ़े को अपने डेयरी का दुध ओरिजिनल समान साढ़े को मिलेगा। असी सारा केक जो भी है अपने इतें ही बनाते हैं, तो बाहरों कोई भी समान लेके नहीं आते हैं। जो भी साड़ी मिठाई है बिल्कुल साड़ी डेयरी के दुध ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी TVS शोरूम कीरतपुर साहेब। यहां से TVS की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4300 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी और 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। जय मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे TVS गाड़ी खरीदने के लिए TVS शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहेब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाकड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाकड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 9496-94-376-85-560-88-974। सारे नगर निवासी अरदास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी। नंगल श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर स्थित MP कोठी के नजदीक दो पहिया वाहनों की मशहूर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम खुल गया है। हीरो कंपनी के इस दो पहिया वाहन की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल डलवाने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से चलने वाले इस दोपहिया वाहन की बैटरी एक बार चार्ज करने से ये 110 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगा। इस दोपहिया वाहन की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी और इसका मूल्य 42,000 रुपए से शुरू होगा।
इस वाहन की ये भी खासियत है कि कोई भी कागजात बनाने का झंझट नहीं होगा। तो तैयार हो जाए इस दोपहिया वाहन को खरीदने के लिए। खुश खबरें। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5152 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का। CHD सुविधा भी उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97801-20462, 97802-66062, 97802-58962। खुश खबरें। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाएं एक पिज्जा फ्री, वाय वन गेट वन फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अजा मार्केट नंगल। सही दाम सही नाम। विजय ज्वेलर्स नंगल डैम।